आप खुद कहते हैं कि खालिस्तान आपकी डिमांड है Okay. और भारत के संविधान में इसके लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए हमको एक अलग तरह की इसके संविधान में भी जगह है। डेमोक्रेसी में अगर कोई बंदा कहे कि हम इस नेशन से अलाइन नहीं करते और हम पीसफुल तरीके से अपनी बात करेंगे और पीसफुल तरीके से हम एडवोकेट करेंगे कि हमारा एक अलग से मुल्क हो और okay. हम आज़ादी चाहते हैं पीसफुल तरीके से। वो तो अमृतपाल को तो ये चाहिए कि पंजाब की जगह खालिस्तान होना चाहिए। सर हमारा गाँव पड़ता है पंजाब में जी, हमारे जाटों के और बिश्नोइयों के साठ एक गांव है, कोई तो बात ही नहीं, कोई ये हाइप क्रिएट कर रहा है कि ये हो जाएगा। हमारा गांव पंजाब में पड़ता है कि एक इंच ही खिसका दे कहीं वो और तो बात और तो ये चीज खालिस्तानी से डरते लॉरेंस बिश्नोई से खालिस्तानी डरते। गोल्डी बराड़ मैंने इस पे रिएक्ट किया था पिछले बार, तो बहुत से लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा कि वेक अप टू रियलिटी रियल ट्वीट में नाइस। बहुत से लोगों ने कमेंट आके किया जैसे आप लोगों को मारते हो, आप लोगों को ड्रॉप हो सकता है रोबोटिक आवाज वो चीज सर कबूल कर ली सर वो चीज मान बच्चे होनी है इस चीज के लिए रोज रोज क्या होना था भगवान का नाम लेते हैं इस चीज को मतलब मान के जिंदगी बढ़ते रहे जब तक चलो ठीक है बिल्कुल यार सही में बहुत पावरफुल है लॉरेंस यार। लॉरेंस बिश्नोई लॉरेंस का नेटवर्क इतना बड़ा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग में 600 से भी ज्यादा शूटर्स हैं, जो कि ना सिर्फ इंडिया बल्कि थाईलैंड कनाडा यूके इन जैसे देशों में भी उसने ना सिर्फ पंजाब बल्कि राजस्थान हरियाणा दिल्ली उत्तराखंड जैसे शहरों में अपना आतंक फैलाया हुआ है। लॉरेंस उसके स्टूडेंट बॉडी SOPU से आते हैं, यानी उसके मेजोरिटी गैंग मेंबर्स स्टूडेंट्स उसे अपना आइडल मानते हैं और उसके एक इशारे पर मरने और मारने के लिए भी तैयार है। और ये सब कुछ हो रहा है जब लॉरेंस खुद जेल में, तो चाहे जो चाहे फेसबुक पर अनाउंस किया जाए कि ये काम लॉरेंस के लड़कों ने किया, लॉरेंस के खिलाफ कोई एविडेंस होता ही नहीं है क्योंकि वो जेल में, वो भी मॉडर्न काला पानी कही जाने वाली इंडिया की सबसे सिक्योर तिहाड़ जेल। तो पहले गाली गलौज तेरी उसकी तेरी ये तोड़ी ये तोड़ी हो। अब मुझे तो हंसी भी आती थोड़ी देर ना जब मैं इनसे बात करता हूँ। अनएजुकेटेड लोग हैं ना मुझसे okay. कहते हैं आपने अपने इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बना दिया मेजर साहब हीरो। अगर खालिस्तानी किसी से डरते हैं तो लॉरेंस बिश्नोई से डरते हैं, टांगे कांपती हैं लॉरेंस बिश्नोई से, क्योंकि इनको पता है कि लॉरेंस बिश्नोई के शूटर हैं ये हर जगह हैं, सिर्फ भारत में नहीं है, इसके शूटर कनाडा में हैं, जहां जहां खालिस्तानी हैं वहां वहां इसके शूटर हैं। लॉरेंस बिश्नोई आज भी जेल में बैठ के, अगर लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ कागज में लिख के दे देना लॉरेंस बिश्नोई देखो उसने क्राइम करा वो जेल में है। वो जेल में क्यों है लॉरेंस बिश्नोई? क्योंकि कोर्ट ने बोला जेल में जाएगा, उसने गलत काम किया जेल में जाएगा। मैं सिर्फ एक चीज जानता हूं कि लॉरेंस बिश्नोई से खालिस्तानियों का गला सूख जाता है और मुझे ऐसा लगता है कि खालिस्तानियों को लॉरेंस बिश्नोई नाम के टैबलेट की आवश्यकता है बहुत जल्दी और बहुत जल्दी से जल्दी। इनको चाहिए लॉरेंस बिश्नोई नाम की टैबलेट। खालिस्तानी अगर किसी से डरता है तो लॉरेंस बिश्नोई से डरता है, उसको लगता है बंदा मार देगा, तो निपटा ही देगा, हमारे रिश्तेदारों को निपटा देगा। ये बहुत बड़ा इनका डर है खालिस्तानियों का, समझ दे आर वेरी स्कैर्ड ऑफ लॉरेंस बिश्नोई।
हाथों से मारा गया, सिस्टम ने गलत किया उसके साथ, वो बाकी हुआ। आज भी सिस्टम उसके खिलाफ चल रहा है जिससे ये सब चीजें हो रही है। अब रहेगी बात समझ की बात। लॉरेंस बिश्नोई पढ़ा लिखा लड़का है, सुलझा हुआ लड़का है, उसको सब समझ है, कानून की भी नॉलेज है और हर चीज की उसको नॉलेज है। रहेगी बात उसकी लाइफ की, देखिए हर इंसान को अपने जीवन जीने का अधिकार है। आज 8 साल की कस्टडी के दौरान वो अपने नियम को आज भी नहीं भूला, अपनी भक्तिभाव को नहीं भूला, अपनी कर्मठता को नहीं भूला, योगा करता है जेल में, सब कुछ अच्छी शिक्षा देता है, सबके साथ यही बात करता है। तो वो जो चीजें हैं उसकी लाइफ का एक पार्ट है। मैं ये मानता हूं कि शायद उसकी डेस्टिनी है कि एक अच्छे परिवार से आने के बाद भी उसको यही एक धब्बा लगना था। आप उस परिवार को समझें, उस परिवार के पास में 2 बच्चे, बड़ा लॉरेंस बिश्नोई, दूसरा अनमोल बिश्नोई। अनमोल नेशनल लेवल का तो प्लेयर है, एथलीट है, प्लेयर। और आप ये समझे कि उसके ऊपर भी केसों की फिरिजलात दी गई, ठीक है, उस परिवार पे क्या बीतती होगी आज सामने से कि 2 बच्चे और एक जेल में है और एक वांटेड है, तो उनके साथ में क्या सिस्टम, उनको कैसा फील होता होगा। तो वो सब चीजें देखिए, ये परिवार जो है इस टाइप का परिवार नहीं था ना है, सिस्टम के शिकार हुए हैं दोनों बच्चे और आज सिस्टम से फिर लड़ रहे हैं, फिर इनके ऊपर केस बनाए जा रहे हैं। तो आज जितने इसके ऊपर केस हैं, अगर कस्टडी की बात मानी जाए तो 10 साल तक वो केस मान लीजिए मैंने शिद्दत से लड़ दिए और केस नहीं लगाए गए या लगाए भी गए तो 5 साल में 6 साल में अगर वो सारे केस खत्म होते भी हैं तो उसकी एज तो जेल ही खा गई। तो अगर वो बाहर आना भी चाहे आज अगर गवर्नमेंट चाहे आगे बात समय तो उसका फास्ट ट्रैक कराए, उसके केसेस को फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में लगवाएं और बिल्कुल फास्ट ट्रैक कोर्ट तरीके से डिसाइड हो जो मामले होने हैं, अगर गलत है उनमें सजा हो जाएगी, नहीं तो एक्विटल होगा और 2 साल के अंदर में सारे फैसले हो जाएंगे, 2 साल में बाहर आ जाएगा। लेकिन उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, ये केस पे केस लाते जा रहे हैं, केस पे केस लाते जा रहे हैं। अब जितने केस उस पे लगाए जा रहे हैं ये तो उससे भी लंबी फिरिस्त है जो अभी तक 8 साल में थी। तो अब वो आदमी कॉम्प्रोमाइज कर चुका है, उसने अपने इंटरव्यू में बोला कि मुझे नहीं लगता मैं कभी बाहर आऊंगा, जब बाहर आऊंगा तो तब की तब देखी जाएगी। तो एक आदमी को पता लगे कि अभी मेरे को यहीं रहना है, कभी मेरे को कोई स्टेट ले जाएगी, कभी मेरे को कोई स्टेट ले जाएगी, कभी मेरे को फलानी जेल में रखा जाएगा, फलानी जेल में रखा जाएगा। तो ये सब चीजें अब वो कॉम्प्रोमाइज कर चुका है सामने से। हम कई बार सोचते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको सामने से अगर उसकी चीज है उसको फास्ट ट्रैक करना चाहिए, क्योंकि आप मानेंगे जितने भी केसेस हैं सब एलिगेशन बेस्ड है, सबके अंदर कहा जा रहा है कि वो जेल में बैठ के कर रहा है, एक सिंगल एविडेंस नहीं है और सिर्फ डिस्पोजल स्टेटमेंट लिख के और उसका नाम डाला गया है, सबके सब एक्विटल जाएंगे केस, सबके सब एक्विटल जाएंगे केस। तो आप देखिए कि वो चीजों को लेकिन वक्त लगेगा। अब वो आदमी उस चीज को फेस कर रहा है सामने से, तो वो जेल में खुद ही बैठा हुआ है कि अब वो सरकार। यार तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? यार ये वीडियो बहुत अच्छी थी और एंड में जो पूरा पता चला उसका कि मतलब उसके दोनों भाई के ऊपर केसेस है यार। और फैमिली थी मतलब के शरीफ थी, फिर भी ऐसे केसेस डाले, बागी तो होना ही था उसको, सिस्टम से लड़ रहा है वो। और मजा आ गया इस वीडियो देखने में। तो आपको कैसी लगी? यार मुझे भी बहुत ज्यादा मजा आया और इन्फॉर्मेटिव भी थी, काफी इंटरेस्टिंग थी देख के, काफी इंजॉय भी हो रहा था। और लॉरेंस की वीडियो बहुत अच्छी ही हो, और आप भी कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो और लॉरेंस के साथ आप खड़े हुए हो कि नहीं, कमेंट करके बताना। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।